इस सदी का सबसे बड़ा सवाल था, आखिर एवेंजर्स टावर्स का नया मालिक है कौन। उसका जवाब मिल गया है मार्वल की नई पेशकश थंडरबॉल्ट्स विद एन एस्टेरिस्क के टीजर ट्रेलर के साथ, जिसका मैं करने जा रहा हूँ यहाँ ब्रेकडाउन, और साथ ही ये प्रेडिक्ट करूंगा कि आखिर इस एस्टेरिस्क का चक्कर है क्या। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। थंडरबॉल्ट्स एमसीयू में आने वाली नई फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जेक शायर, जहां कुछ एंटी हीरोज का टीम बन रहा है जिसे असेंबल कर रही है वैलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन, यानी कि एक्ट्रेस जूलिया लुई दे फ्रूस, जो दिखी थी सबसे पहले फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, उसके बाद ब्लैक विडो मूवी के पोस्टर सीन में भी दिखी थी वो, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिखी थी, जहां रिवील किया गया कि वो CIA की नई चीफ है एमसीयू में। कौन कौन है इस टीम का पार्ट? विंटर सोल्जर एक्टर सेबेस्टियन स्टैन का किरदार, जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ही एमसीयू का पार्ट है। ब्लैक विडो और हॉकाई में दिखी फ्लोरेंस पू इस टीम का पार्ट है एज येलेना बेलोवा। ब्लैक विडो मूवी से दो और किरदार टास्कमास्टर यानी कि एक्ट्रेस ओल्गा करिलेन्को, स्ट्रेंजर थिंग्स फेम डेविड हार्बर जिन्होंने निभाया था एलेक्सी शस्तकोफ एके रेड गार्डिंग का किरदार, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से वाइट रसल का किरदार यूएस एजेंट, एंडमैन 2 से एवा स्टार एके घोष का किरदार जिसे निभाया था हैना जॉन कैमन ने। इसी ट्रेलर का एक डायलॉग इस टीम को अच्छा सम अप करती है। हाँ भाई हाँ, यही है ये टीम। पर सबसे बड़ा इस सवाल का जवाब भी मिलता है यहाँ पर कि एवेंजर्स टावर किसने खरीदा है। वो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसे लीड करती है वैलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन यानी कि जूलिया लुई दे फ्रूस का किरदार। ट्विटर के आखिरी शॉट में थंडरबॉल्ट्स टीम एक बड़े से हॉल के अंदर घुस रहे हैं, जिसे देखकर एवेंजर्स टावर की याद आती है, खासकर उसके बाहर के शॉट को देखकर जहाँ क्लियरली न्यूयॉर्क के बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, जैसे स्टार्क टावर जो बाद में एवेंजर्स टावर्स बना वहाँ भी ऐसा ही दिखता था। और ये बार टोनी स्टार्क के बार की तरह ही लग रहा है, सेम आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लग रहा है ये, तो ये बिल्डिंग पक्का एवेंजर्स टावर ही है। तो हो सकता है कि ये CIA का बिल्डिंग हो, एज ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में क्लियर किया गया था कि वेल अब एमसीयू में CIA की चीफ बन गई है। ये भी हो सकता है कि वेल अपनी ही कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होगी यहाँ पर, जिसके लिए वो इन थंडरबॉल्ट्स को रिक्रूट कर रही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डाल रहा होगा विल्सन फिस्क छुप छुपा के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टोनी स्टार्क किसी ऐसे वैसे आदमी को अपना बिल्डिंग बेचेंगे, तो ये US गवर्नमेंट को ही बेचा होगा उन्होंने, उन्हें नहीं मालूम था कि विल्सन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि एवेंजर्स टावर बन गया है CIA बिल्डिंग। ट्रेलर की शुरुआत में येलेना पहुंचती अपने फॉस्टर पिता एलेक्सी यानी कि डेविड हार्बर के पास, जिसका कमरा काफी मैसी है उसके दिमाग की तरह। खैर येलेना अपने पिता से कहती है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? वो दिखता है ट्रेलर के छोटे से सीन में, जहाँ येलेना दौड़ते हुए दिखती है और वो पहुंच जाती है एक और डिमेंशन में। ये सीन मिस मार्वल में दिखे इस सीन की याद दिलाती है, जहाँ कमाला थोड़ी देर के लिए पावर्स मिलने के बाद पहुंच गई थी एक और डिमेंशन में, जो था नूर डिमेंशन, जहाँ से उसकी दादी आई। पर मुझे लगता है कि येलेना यहाँ पर अपने एक गिल्ट ट्रिप में चल रही है, जहाँ उसे वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उसने जब वो ब्लैक विडो एजेंट थी तब मारा था। यानी उसे काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, जिसमें उसकी मदद कर सकता है एक ही आदमी, वो है बकी बार्न्स। ऑलरेडी काउंसलिंग ले ली है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, तो हो सकता है इसी के थ्रू येलेना और बकी के बीच एक रिलेशनशिप दिखाया जाए, जिसकी अटकलें चल तो रही थी। उसके बाद मार्वल का नया लोगो आता है, जिसमें थंडरबॉल्ट्स के कलर डाले हुए हैं येलो कलर। बकी दिखता है सूटेड बूट किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हुए, जो बकी इस फिल्म में दिखाया जाएगा एज ए कांग्रेसमैन यानी कि पॉलिटिशियन बन गया अपना बकी भाई। वाइट रसल दिखते हैं एज जॉन वॉकर, उनके साथ है उनका बच्चा, और वॉकर साहब का ध्यान है उनके मोबाइल पर, जहां लिखा हुआ है फॉलो अ हीरो द जॉन वॉकर स्टोरी। वॉकर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बनाया गया था नया कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो एक सेलिब्रेटेड सोल्जर था। फिर उसने कैप्टन अमेरिका के शील्ड का अपमान किया एज उसने बड़ी बहरीमी से एक आदमी को उसी शील्ड से मार दिया। उसके बाद उसे कर दिया गया कोर्ट मार्शल, और उसी के बाद वो मिला वेल से, जिसने उसे थंडरबॉल्ट बनने का मौका दिया। इसलिए इस आर्टिकल में लिखा हुआ ये, वैसे जो फोटोग्राफ इस आर्टिकल में दिखता है वो उसी सीन का फोटोग्राफ है, जहां पहली बार व्हाइट रसल एज जॉन वॉकर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखे थे। येलेना देखती है हॉलवे एक्शन सीक्वेंस में, जो एक थ्रोबैक है कारन जॉनसन की किरदार की तरफ, जिन्होंने ऐसे ही एक्शन सीन किया था उनके पहले MCU अपीयरेंस वाली फिल्म में, जो था आयरन मैन 2। येलेना फिर घुसती है एक अंडरग्राउंड बंकर में, जहां उसकी नजरें पड़ती है कुछ आइटम्स पर, जिसमें से एक में येलो कलर के बाल का चित्र बने हुए हैं, जो ऑब्वियसली सेंट्री पर रेफरेंस है। सेंट्री का S का साइन भी दिखता है यहाँ पर, इनफैक्ट जो बड़ा सा S सेंट्री अपने बैंड में पहनता है वो भी दिखाया जाता है इस टीजर में। और बगल में लिखा हुआ है वॉच टावर, जो भी एक सेंट्री कनेक्शन है। द वॉच टावर था सेंट्री का घर और हेडक्वार्टर्स मैनहट्टन में, एक लंबा सा टावर और सेट ऑफ ब्लैक क्रॉसिंग पिंस, जिसके ऊपर था एक बड़ा सा गोल्डन स्पीयर। द वॉच टावर को सुपरवाइज करती थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम था क्लॉक, बिल्कुल टोनी स्टार्क के AI जार्विस की तरह। क्लॉक दुनिया भर के कम्युनिकेशन पर नजर रखती थी और सेंट्री को अलर्ट करती थी इन केस ऑफ एनी मेजर इमरजेंसीज। यहाँ वॉच टावर बनाने का भी प्लान चल रहा है। इसी अंडरग्राउंड बंकर में घुसते हैं सारे के सारे थंडरबॉल्ट्स,
जॉन वॉकर दिखता है एक नए कॉमिक बुक एक्यूरेट शील्ड के साथ। कैप्टन अमेरिका के शील्ड की तरह लाल और सफेद कलर तो है इसमें, पर बीच में काला कलर है जो कॉमिक्स में भी है। वही टास्कमास्टर दिखता है एक नए सफेद कलर के मास्क में और काले लाल कलर के कॉस्ट्यूम में। खोस्ट जो आखिर में हमें दिखी थी एंटमैन एंड द वॉस्प में, उसने अपना सफेद कलर का कॉस्ट्यूम छोड़ दिया है और काले कॉस्ट्यूम को अपना लिया है सफेद मास्क के साथ। वो अभी भी एंटमैन वॉस्प की तरह फेस कर रही है। तो जिस इंटेंशन से एंटमैन क्वांटम डिमेंशन में गया था कि घोस्ट की फेसिंग को रोका जाए, वो हुआ नहीं शायद। वही उस कागज में और उसके आसपास के डब्बों में लिखा आता है OE, जो शायद नॉट है OXE पर, जो ऑर्गेनाइजेशन वैलेंटीना ने बनाया था कॉमिक्स में। इसका मतलब ये भी है कि कंपाउंड वैलेंटीना का ही है और इन लोगों को भेजा गया है शायद एज ए टेस्ट या फिर शायद मरने के लिए वैलेंटीना के द्वारा ही। फिर एंट्री होती है बॉब की, यानी कि लुइस पुलमैन की, जो निभा रहे सेंट्री का किरदार, मार्वल का सुपरमैन, जिसकी कॉमिक बुक कहानी है ये। 1940s प्रोजेक्ट सेंट्री को बनाया गया था रेमिनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिवर, जिसमें स्टीव रॉजर्स को बनाया गया था ताकि नए सुपर सोल्जर्स बनाए जा सके। स्टीव रॉजर्स के खून का इस्तेमाल करके उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, पर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने टेसरैक का कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया सीरम को एनहांस करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट रेनल्ड्स, एक मेथ एडिक्ट, उस लैब में घुस जाता है जहां उसने उस सीरम को अपने ऊपर लगा लिया, जिससे उसे पावर्स मिले मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के, या फिर ये कहे कि सुपरमैन लेवल के पावर्स मिले उसे। सेंट्री अपने मेथ एडिक्शन की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी से भी गुजरता है और उसका मेन एंटागनिस्ट है उसी के अंदर का इविल पार्ट, जिसे कहा जाता है वॉइड। मार्वल फुल पावर मोड में दिखाने वाली है सेंट्री को, जो इस सीन से मालूम पड़ता है, जहां कई सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं उस पर उसे कुछ नहीं हो रहा है, विच इज अ कूल सुपरमैन थ्रोबैक। अचानक सारा का सारा कमरा हो जाता है बंद और लाइट हो जाती है लाल, जो इमेजेस ब्लैक विडो में दिखे रेड रूम की लाल रंग की याद दिला रही है, या फिर फाल्कन द विंटर सोल्जर में दिखे क्लाइमेक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर देखता है ये जगह जहाँ दिखाई देता है लोकी का स्पेक्टर। वॉल पर लिखा था बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, ऊपर हॉकाई अपने तीर के साथ, आयरन मैन अपने शील्ड के साथ, और शायद एक फोटो में निक फ्यूरी है। तो इस जगह पर द एवेंजर्स में दिखने वाले बैटल ऑफ न्यूयॉर्क से रिलेटेड कुछ चीजें रखी हुई है। एज स्पेक्टर के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है कि क्या है वो चीजें। इसी फंक्शन में दिखता है वैलेंटीना, उनके साथ है एक्ट्रेस गैरल्डिन विश्वनाथ, जो शायद वैलेंटीना की सबऑर्डिनेट का किरदार निभा रही है। उनके साथ है एक जापानीज मूल के आदमी। जापान और यूएस के बीच रिश्तों को शायद टटोला जाएगा एमसीयू में काफी डिटेल में, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में भी दिखा था, जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वुल्वरीन का ओरिजिन भी जापान से ही है, तो शायद मार्वल इसी को सेटअप कर रही है जापान को इंक्लूड करके। अब बाकी कौन सा डिशवॉशर यूज कर रहा है जो वाइब्रेशन से लेट चीजों को भी धो दे रहा है, ये जरा बताओ मुझे। बाकी यहाँ फिर से कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह गाड़ी उड़ा रहा है क्या, रोहित शेट्टी से इंस्पिरेशन ले रहा है अपना बाकी भाई। थंडरबॉल्ट लिफ्ट से निकलकर असेंबल हो रहे हैं एवेंजर्स टावर्स में, पर क्या कुछ और लोग भी है यहाँ पर जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। मार्वल अक्सर ऐसा करती है और गैप तो काफी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि थंडरबॉल्ट्स टीम में कुछ हिडन एडिशंस भी हो, जैसे द पनिशर या फिर नाश्ता हुआ ज़ीमो या फिर एबोमिनेशन, देखना इंटरेस्टिंग होगा। फाइनली बात करते हैं इस एस्टेरिस्क के बारे में, मुझे लगता है कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल होगा डार्क एवेंजर्स, क्योंकि अब एमसीयू की दुनिया में एवेंजर्स नहीं है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर वैलेंटीना और शायद विल्सन एक नया एवेंजर टीम बना रहे हैं, जिसमें शामिल है कुछ बुरे लोग पर बहुत बुरे नहीं। इसी की बात कर रहा हूं मैं भाई, क्योंकि एवेंजर्स नाम एमसीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हर एरी गैरी फिल्म को ये नाम नहीं देने वाले, इसीलिए इस टाइटल को छुपाया जा रहा है शायद। बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी डार्क एवेंजर्स, जिसे अटकलों के मुताबिक लीड करेंगे बकी बांस। इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कैसा लगा ट्रेलर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। एगाथा के पहले दो एपिसोड और पेंगुइन का पहला एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू ट्रेलर्स ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।